दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए श्री भगवती क्रिएशन को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जेंट्स चूड़ीदार पजामे की कटिंग किस तरीके से की जाती है। सीट है 36, नी है 15, कफ है 15 और बॉटम 15 और फुल। सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए। हम यहाँ पर, मेरे पास 2.25 मीटर का ये कपड़ा है, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है एक तरफ से। देखिए इस तरीके से कनी मिलाकर पहले हमें फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इसको यू पहले अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना है बराबर, और इसके बाद इसको यू तिरछा फोल्ड कर लेना है। चूड़ीदार जो पजामा होता है हमेशा ही बायस निकाला जाता है, तो ये जो फोल्ड साइड है, डबल फोल्ड, तो ये मेरी साइड है। इस तरीके से आपको कपड़े को बिछाना है। देखिए हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे एक कोने से स्टार्ट करते हैं। बॉटम जो है हमें लेना है बॉटम का हाफ, और हमें यहीं पर ही आधा इंच जो है मोड़ने के लिए भी रख देना है। आधा इंच के बाद 10 इंच ऊपर हमें लेना है बॉटम का नाप। हमने 10 इंच की चूड़ियों के लिए इतना ले लिया है। अगर आप 10-15 इंच या इससे कम लेना चाहें या बिल्कुल भी ना लेना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 इंच के लिए हमने ये निशान लगा लिया है चूड़ियों का। अब जो ये बॉटम का नाप हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ से हमें ऊपर की साइड ले रखना है। लेंथ मैं यहाँ पर 37 इंच ले रही हूँ, तो मुझे ये देखिए यहाँ पर 37 इंच का नाप आ गया है, ठीक है। कपड़े को एकदम सीधा रख के मैंने 37 इंच ऊपर ले लिया और 2 इंच और ऊपर ले लिया। 37 इंच तो जो है तैयार कपड़े की लंबाई है, उसके बाद 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो नाड़ा घर बनाने के लिए। अब यहाँ से देखिए मैंने ये जो इमेजिनरी लाइन है फर्श की सीधी लाइन, यहाँ पर मान के चल रही हूँ मैं। मैंने सीट का हाफ ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 इंच की लाइन है, इसे भी मैं लगा रही हूँ। ये भी सीधी आपको लगा लेनी है। अब देखिए उस पॉइंट से जहाँ पे हमने सीट का हाफ लिया, वहाँ से नीचे की तरफ मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है, ठीक है। 14 इंच हम लेंगे नेफा समेत। इसके बाद ये मैंने एक लाइन लगा दी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 2/3 ऑफ सीट माइनस 5 सेंटीमीटर नीचे मैं ले रही हूँ इस लाइन से, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर मुझे घुटने का हाफ, ये पर्चा मैंने सामने रखा हुआ है, घुटने का हाफ प्लस आधा इंच लाइन लगानी है। ये लगा दी। इसके बाद इस पॉइंट से मुझे हिप का 8वां नीचे लेना है और यहाँ पर घुटने का आधा करके एक लाइन लगानी है, ये मैंने लगा दी। इसके बाद ये घुटने वाली लाइन है और बॉटम वाली लाइन है, इसको मुझे नाप लेना है और इनका आधा कर लेना है। आधा करने के बाद यहाँ पर मुझे काफ का आधा कर लेना है, यानी कि पिंडली का आधा। मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अब मुझे ये वाली लाइन, आसन वाली लाइन को और जो नी वाली लाइन है इसको आपस में मिलाना है, इसका आधा कर लेना है और 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच के करीब यूं गोलाई कर लेनी है अच्छी सी, ये मैंने कर ली, ठीक है। अब इन सब निशानों को मुझे आपस में मिला लेना है। आधा इंच हमें सबसे नीचे बॉटम के लिए भी एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कपड़ा मोड़ने के लिए हमें चाहिए ये, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1-1 इंच एक्स्ट्रा जो रख के यहाँ पर सीम अलाउंस की लाइन लगा देते हैं। जो अलाउंस हम ले रहे हैं 1-1 इंच मैं यहाँ पे लगा रही हूँ निशान,
यूँ और यूँ ऊपर से मिला देना है। तो जब हमें कटिंग करनी है तो इस वाली लाइन पे करनी है। ऊपर का भाग अब देखिए जो ये निशान लगाए हैं मैंने, अब इनकी मुझे कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं बॉटम से स्टार्ट करती हूँ। ऊपर की कैसे अटैच करना है कपड़ा मैं अभी आपको बताऊँगी। ये मैंने कट की लाइनें बाहर की रखी है, ये काट लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये बचा हुआ कपड़ा है इसको एकदम बराबर करके अच्छे से यहाँ पर रखना है। अब देखिए ये कपड़ा हमने यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि ये जो सिलाई के लिए थोड़ा सा एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए। अब हमें इस निशान को ऊपर सीधा करना है, इस लाइन को, ठीक है। यहाँ से हमारा सीट का जो हमने हाफ लिया है ये कर लिया। घेरा जो है आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी लाइन मैंने मिक्स मैच कर ली और यहाँ से भी लाइन को एकदम सीधा कर लिया, ठीक है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, ये ऐसे और यहाँ से यूँ। ये हमने लगा लिया, इसको भी हमें सीधा कर लेना है ताकि सिलते समय आसानी हो हमें जोड़ने में। ये हमने सीधा कर लिया। अब हमने उल्टी साइड पे निशान लगा लेना है ताकि सिलते समय हमें आसानी हो कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे जोड़ना है। अब देखिए हमें इस कपड़े को यूँ सीधा किया और एक तरफ का निशान दूसरी तरफ भी लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ भी निशान आ जाए। ये मैंने निशान लगाया, अब मैंने ये अलग कर लिया कपड़े को। अब जो निशान मैंने मिलाए थे ये देखिए, वे उल्टी साइड मैंने निशान लगा रखा है, तो ये मैंने इस तरीके से जोड़ना है। उल्टी साइड सीधी साइड से सीधी साइड मिला के रखनी है और ये मैंने ऑल पिन की मदद से यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो ऐसे मुझे सिलाई लगानी है। दूसरा पार्ट भी मैंने उल्टी साइड बाहर की साइड रखी और यू मुझे यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। बाकी के दो पार्ट्स भी मुझे जोड़ देने हैं ऐसे ही। अब देखिए मैंने दोनों तरफ से कपड़े के टुकड़े जोड़ लिए हैं इस तरीके से। आपको भी जोड़ लेने हैं उल्टी साइड में, जो थोड़ा ये कपड़ा निकला हुआ है इसको आपको सीधा कर देना है, ठीक है। सीधा करने के बाद यूँ आपने क्या करना है, आसन की उल्टी साइड से दूसरे पैर के आसन की उल्टी साइड को आपने मैच करना है और इस तरीके से जैसे कि मैं पिन लगा रही हूँ इधर को सीधी सिलाई लगानी है, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ भी लगानी है। मैं ये नाड़े वाला पजामा बना रही हूँ। आप नाड़ा या इलास्टिक डालने के लिए भी तो मुझे यहाँ पर एक छेद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है जहाँ पर मुझे सिलाई नहीं करनी है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर छोड़ा था, तो जब मुझे आसन की सिलाई लगानी है जहाँ पे मैंने छोड़ा है इस पॉइंट पे आके मुझे सिलाई नहीं लगानी है और फिर ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने लगा दी, ये धागा काट के अब मुझे इस कपड़े को यहाँ पर चीर लेना है यूँ, ठीक है। ये कपड़ा और इसको इस तरीके से अंदर पलट के सिलाई लगा लेनी है। ये अंदर से सिलाई लगानी है और इस तरीके से हमें नाड़ा घर के लिए छेद छोड़ देना है। और ये मैंने कटिंग कर ली। अब आपको ये यहाँ से मोड़ लेना है जो 2-2 इंच का आपने मार्जिन रखा था। ये पूरा का पूरा उरेब कपड़ा है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है नहीं तो झोल आ जाएंगे।
जहाँ पर कपड़ा आराम से रहता है वहीं पर ही सिलाई लगा के सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरा का पूरा घेरा मोड़ लेना है। अब आपको नीचे भी बॉटम का जो आधा इंच का मार्जिन दिया है इस तरीके से जैसे मैं मोड़ रही हूँ मोड़ लेना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस तरीके से आराम से सिलाई लगा लेनी है। बॉटम की सिलाई होने के बाद अब हमें जो ये पैर के अंदर की सिलाई है इन पर भी सिलाइयाँ लगा देनी है। ध्यान रखना है कि जो सेंटर पॉइंट है उससे मिला लेना है सेंटर को। चूड़ीदार पजामा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।